जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं 21 जुलाई 2024 को हरियाली रिसोर्ट बूंदी रोड कोटा राजस्थान में आयोजित हुए शताब्दी देशनाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रज्ञावंत शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण रत्न श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सहित श्रमण रत्न श्री 108 अप्रमित सागर जी महाराज, श्रमण रत्न श्री 108 सहज सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री 105 श्रेयस सागर जी महाराज के विशुद्ध ज्ञान वर्षा योग 2024 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह के विशेष अंश। पूज्य गुरुदेव ससंग के कार्यक्रम स्थल पर मंगलमय पदार्पण के साथ ही समारोह की भव्य शुरुआत की जाती है। पूज्य गुरुदेव स्वस्थान विराजमान होते हैं और कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया जाता है। इतने में ही श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। इस क्रम में आगे श्रेष्ठी मान्यवरों का अभिनंदन किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। मन भावन अति पावन निरखो प्रभु की छवि सखी गाओ गीत मंगल आए पावन घड़ी तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ससंग का पावन पाद प्रक्षालन किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठी मान्यवरों के सम्मान का क्रम जारी रहता है। इसी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। स्वर्ग है वो तेरा आज धरा पे, स्वर्ग है वो तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है वो तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। जय हो वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। जय हो गुरुवर स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। इस दौरान भक्त पूज्य गुरु श्रेष्ठ के श्री चरणों में नमन करते हैं और श्रीफल एवं शास्त्रादि भेंट करते हैं। Thank you.
इसी तरह के कुछ और भी दृश्य इस दौरान प्रकट होते हैं। गुरुवर के आने से मन हर खायो, आयो आयो चातुर्मास आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो, मेरे भाग खेले हैं गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई ज्ञान की गंगा आई, मोर पपीहा कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास आयो। ऐसे मंगलमय अवसर पर भक्तगण पूज्य गुरु श्रेष्ठ की अन्यान्य प्रकार से पूजन आदि करते हैं। आचार्य परमेश्वरी चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर मुनिन्द्रभ्यो सहित मुनि श्री आदित्य सागर प्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो अत्र अवतरतर सम्मोसा डावाहिनम जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भाव भाव वसत सन्निधि करणम जय हो जय हो जय हो। दिव्य ज्ञान मई औषधिया दे सब जग के रोग मिटाते हो। ओम रूम नमो हरिणम चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर मुनिन्द्रभ्यो श्रवण रत्न श्री आदित्य सागर प्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा। जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार दो, मलिया गिरी चंदन सम शीतल तेरे आप सुगंधित भूतल पर, गुरु भक्त भ्रमर मंडराते तेरी चरिया पर झुक झुक कर। ओम रूम नमो हिरण्य चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर मुनिन्द्रभ्यो सहित आदित्य सागर प्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिते स्वाहा। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके, अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर, गुरु राया को धन्य धन्य, मुनि राया को धन्य धन्य, त्यागी वैरागी धन्य धन्य, वैरागी को धन्य धन्य, विरति धर को धन्य धन्य। ओम रूम नमो हरिणम आचार्य परमेश्वर ने विशुद्ध सागर यदि रव्यो मुनि श्री आदित्य सागर प्रमेश सहस सागर निन्द्रव्यो अच्छे पद प्राप्ताय अच्छताम निरपामिते स्वाहा। अर 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 चाकर रहा कले गुरु वर जी तार, बहुत बड़ो दरबार चाकर रहा कले। ओम रूम नमो हरियाणा आचार्य परमेश्वर ने विशुद्ध सागर जी मुनि श्री आदित्य सागर प्रमेश सागर सहस सागर निन्द्रव्यो छुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिते स्वाहा। इस दौरान बीच बीच में क्रम पूर्वक सुंदर भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं, पूजानी करो तैयारी वेड़ा मिलनिया वीर, प्रभु ने आज नवरावा नदियों भक्तों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में अनेक प्रकार के अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। सुत सागर जी मुनिन्द्रभ्यो मुनिश्री आदित्य सागर जी अप्रमेश सागर जी सहस सागर जी मुनिन्द्रभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिते स्वाहा। ओम रूम नमो हरिणम आचार्य परमेश्वर चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर मुनिन्द्रभ्यो श्रवण रत्न मुनि श्री आदित्य सागर अप्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो मोहन अष्ट कर्म दानाय धूपम निरपामिति। जो नैया गुरु भरोसे भवर में जाएगी, वो टोल भले जाए पर डूब न पाएगी। ओम रूम नमो हरियाणम चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर मुनिन्द्रभ्यो श्रवण रत्न मुनि श्री आदित्य सागर अप्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरपामिति स्वाहा। ओम रूम नमो हरियाणम आचार्य परमेश्वर ने चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर यति रव्यो श्रवण रत्न मुनि श्री आदित्य सागर अप्रमेश सागर सहस सागर मुनिन्द्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जल फलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। इस दौरान संपूर्ण कार्यक्रम परिसर भक्ति आनंद में विभोर रहा और गुरु भक्तों ने खूब गुरु भक्ति की। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता है।
कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी परिवार एक एक कर पूज्य गुरु शरण में आकर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान श्रेष्ठी मान्यवरों का मंच से भव्य बहुमान किया जाता है। साथ ही इस दौरान पुण्यार्जक भक्तों द्वारा अपने अपने चातुर्मास मंगल कलश भी प्राप्त किए जाते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां निरंतर जारी रहती हैं। को भव्य एलन दीक्षा पन्ना नगर में ग्रहण। एलन दीक्षा के 6 माह बाद ही यशोदा सागर जी महाराज ने 20 वर्ष की आयु में अपने गुरु से श्रेयांस गिरी में नाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आचार्य गुरुदेव के पूरे जीवन का इन्होंने वर्णन। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और सौभाग्यवती महिलाओं के एक दल द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए पूज्य गुरु चरणों में अनूठे अंदाज में मंगल अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। इस दौरान श्रेष्ठी परिवारों के सम्मान का क्रम जारी रहता है। तत्पश्चात श्रेष्ठी परिवारों द्वारा पुस्तक विमोचन का सुंदर उपादान पूर्ण किया जाता है। तत्पश्चात पूज्य गुरु श्रेष्ठ के मंगल प्रवचन होते हैं। जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब गुरुओं के चातुर्मास की हमको प्राप्ति होती है, और गुरुओं के चातुर्मास की प्राप्ति किसी एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं होती। जब तक पूरे नगर का पुण्य उदय ना आए तब तक चातुर्मास की प्राप्ति नहीं होती। और चातुर्मास कोई छोटी चीज नहीं है, आप समझना। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और चातुर्मास का पहला दिन है। भैया माइक वाले कहाँ हैं? यहाँ भी ठीक नहीं होगा तो कहाँ ठीक होगा? ओ भाई संजय भाई, या तो माइक बदलवाओ या जगह बदलाओ।
15 दिन हो गए, कल नहीं बोलना पड़े। देखो, अच्छे खिलाड़ी को मैदान चाहिए और बैट चाहिए, कुछ नहीं। अच्छे वक्ता को सिर्फ माइक चाहिए और कुछ नहीं। अपन विषय पर आते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? पक्का? पीछे वालों को, सबसे पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? सुनिए, चातुर्मास जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं होता, और चातुर्मास जो होता है वो जब तक सकल समाज का पुण्य उदय नहीं आता तब तक चातुर्मास नहीं होता। इस चातुर्मास में बच्चों से लेकर के बड़ों तक का सबका पुण्य है। एक एक चावल के दाने का जिसका जहां योग है उसी का वहां संयोग है। आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर और चातुर्मास की मंगल बेला पर पहले तो उन सबको आशीर्वाद है जिन्होंने अपने लोभ कसाय का आज त्याग किया है। सबको मंगल आशीर्वाद। हम नाम तो सुन लिए हैं लेकिन याद नहीं है। धीरे धीरे, अभी तो नए नए हैं हम कोटा में, पहचानेंगे जानेंगे। ये लोभ कसाय का त्याग तो हो गया, अब बात इस बात की है कि समर्पण और सेवा कितनी है। अब बात इस बात की है, समर्पण और सेवा कितनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खीर बनाओ आप और कोई और खा जाए। ये गुरुओं का जो आगमन होता है वो धन अर्जन के लिए नहीं, धर्म अर्जन के लिए होता है। और एक बात ध्यान रखना, जब कोई फसल की खेती की जाती है तो भूसे के लिए नहीं की जाती है। फसल की खेती क्यों की जाती है? धान के लिए। फसल की खेती धान के लिए होती है लेकिन भूसा फ्री मिलता है। ये चातुर्मास धर्म अर्जन के लिए होता है, बाकी सब तो भूसा है। इस तरह पूज्य गुरुश्रेष्ठ के मंगल आशीर्वाद से ये शुभ कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। इस तरह की और भी परम कल्याणकारी झलकियों को हम अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र।